हेलो गाइस। तो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी आर पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा। तो अगर बात करें हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम और हर साल यहाँ से एक्सेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। सबसे पहले हम पोएम का जो थीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली में द पोइट इम्फेसिस ऑन द साइलेंस एंड स्टिलनेस इन दिस पोएम। इस पोइट के अंदर जो पोएम के अंदर जो पोइट है उसने साइलेंस और स्टिलनेस पर एम्फेसिस किया है, जोर दिया है। और पोइट चाहता है ना टू कीप क्वाइट। जितने भी सारे जो ह्यूमन हैं ऑन द अर्थ, दे जस्ट कीप क्वाइट। मशीन्स टू रेस्ट एंड वॉर्स टू एंड। कि जो मशीन्स हैं वो सारी रेस्ट हो जाएं, सब रुक जाएं, जो वॉर है वॉर भी रुक जाए, है ना। और वो अपील करता है लोगों से टू एन्जॉय द लाइफ एंड वर्क साइलेंटली एज द अर्थ डज। जैसे अर्थ वर्क करती है ना साइलेंटली, बिना किसी नॉइज़ के, बिना किसी हार्म के, तो वैसे ही पोएम का जो थीम है वो पोइट वही चाहता है कि हम सारे जो हमारे एक्शन जो हार्मफुल एक्शन उनको रोक दें और हम पीसफुली साइलेंटली हम लोग वर्क करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ गाइस, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्लास ट्वेल्थ का पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जो भी कंटेंट, जो भी चैप्टर्स मिसिंग है पॉइंट्स, उनकी वीडियो आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी। तब तक जो भी जो चैप्टर्स पढ़े हुए उनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपकी डेट शीट भी आ गई है, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, टाइम भी इतना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन द फर्स्ट पैरा द पोइट सेज कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, नॉट लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आस सो मच। पोइट क्या बोलता है कि आइए अब हम सब 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप को स्टिल, और हम सब क्या होंगे, कुछ पल के लिए रुक जाएंगे, यानी जो भी हमारे एक्शन हैं उनको रुक जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, और आइए कि पृथ्वी पर एक पल के लिए हम में से कोई भी भाषा नहीं बोलेगा, मतलब हम में से कोई भी बात नहीं करेगा, यानी जो अपने जो वर्ड्स हैं, जो अपना जो स्पीकिंग जो है उसको रोक देंगे। फिर क्या बोलता है कि लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड, आइए एक पल के लिए हम नॉट मूव आर्म सो मच, और अपने जो हाथ हैं उनको भी नहीं चलाते हैं। तो पोइट क्या बोलता है, पहले बोलता है कि आइए हम भारत तक गिनते हैं और हम सब शांत हो जाते हैं, कोई भी अर्थ पर कोई एक पल के लिए कोई भी भाषा नहीं बोलेगा, यानी सब चुप बैठेंगे, शांत बैठेंगे, और आइए एक पल के लिए हम अर्थ पर जो भी हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, उनको रोक लेते हैं। तो फर्स्ट पैरा में ये बात करता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में। फिर बोलता है कि जब हम सारे एक्शंस को रोक देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर क्या होगा। फिर बोलता है पोइट कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टिलनेस। कह रहा कि जब ऐसा होगा तो ये मूवमेंट कैसा होगा, बड़ा अद्भुत होगा, एक अनयूजुअल, बड़ा एक स्टैंड, बड़ा एक अलग मूवमेंट होगा, विदाउट रश, बिना किसी भगदड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी मशीन के, कोई भी मशीन नहीं चल रही होगी, कोई भगदड़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे, कैसे साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, मतलब इस अद्भुत पल में, मतलब जब हम सारे एक्शंस को रोक देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो कह रहा है ये पल बड़ा अद्भुत होगा, बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा एक्जोटिक होगा, बिना किसी मशीन के, विदाउट किसी इंजन के, और हम सब इस अद्भुत पल में क्या होंगे, साथ होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैरा बोलता है कि फिशरमैन जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट एंड। जब कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं करेगा, सब सिंगल माइंड, तो क्या होगा कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कि जो मछुआरा है कोल्ड सी में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वो फिशेस को नहीं पकड़ेगा ना, वो व्हेल्स को हार्म करेगा। और क्या बोलता है एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो इंसान सी किनारे जो सॉल्ट इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, उसके हाथ में जो बाउंड हो गए, जो इंजरी हो गई, कह रहा होगा कि उसको टाइम मिलेगा अपने हाथों को ठीक करने का, अपने हाथों पर ध्यान देने का उसको टाइम मिलेगा। कब मिलेगा कि जब कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं करेगा, सब ना कोई कुछ बोलेगा, ना कोई मशीन चलेगी, तो जो फिशरमैन है वो व्हेल्स सी में जाकर व्हेल्स को हार्म नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे, और जो गेट्स जो क्या बोलते हैं जो
सॉल्ट गैदरिंग जो पर्सन हैं जिनके हाथों में जो बाउंड हो गए, घाव हो गए, जो इंजरी वगैरह है, उनको टाइम मिलेगा ठीक करने के लिए, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। और क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कोई अगर छोटा भाई आपका या सिस्टर अगर 10th में पढ़ते हैं तो उनको भी लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनकी भी स्टडी चलती रहे, क्योंकि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, टाइम भी इतना नहीं है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बट उससे पहले कुछ वर्ड्स जो इसमें हैं उनके बारे में बात कर लें, कुछ बात करें। पहला नंबर फर्स्ट में जो कुछ जो वर्ड थे, तो इसमें एक वर्ड आया था काउंट, सभी जानते हैं काउंट नंबरिंग के लिए, गिनने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इसमें एक वर्ड था स्टिल, क्वाइट मोशनलेस के लिए आता है, यही कुछ खास वर्ड थे। चलिए बात करते हैं पहला नंबर फोर्थ की तरफ। हम फोर्थ में क्या बोलता है, पोइट बोलता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कह रहा कि जो लोग तैयारी करते हैं, जो युद्ध लड़ते हैं, ग्रीन वॉर्स, जो क्रांति के नाम पर इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, है ना, कह रहा है कि और जो गैसेस से वॉर लड़ रहे हैं, जो फायर से गैस जो वॉर लड़ रहे हैं, कह रहा है कि विक्ट्री नो सर्वाइवर, कह रहा है कि ऐसे लोग जो नेचर को हार्म कर रहे हैं प्रोग्रेस के नाम पर, वॉर के नाम पर, कह रहा है कि जब इंसान ही रहेंगे तो ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा, जब वहाँ कोई रहने वाला ही नहीं होगा, कोई सर्वाइवर नहीं रहेगा। और क्या बोलता है कि ऐसे लोग जो प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, कि वो साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन शेड डूइंग नथिंग, कह रहा है कि वो केवल भाईचारे की बात करते हैं, वो केवल शांति की बात करते हैं, लेकिन वो केवल अपनों का भला चाहते हैं, अपने साथ निकलते हैं, बस कुर्द करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पर पोइट ने सटायर किया है कि जो लीडर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर, जो जो पावरफुल लोग हैं, कह रहा है कि वो केवल अपना बेनिफिट देखते हैं, वो केवल अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट उनमें से कोई भी कुछ नहीं करता, वो केवल हार्म करने नेचर का, वो केवल अपना देखते हैं, अपने रस का देखते हैं, लेकिन कोई भी नेचर के बारे में कोई फिक्र नहीं है, वो केवल वॉर है उनका नेचर के अंगेंस्ट, कोई ग्रीन वॉर्स की फॉर्म में वॉर हार्म कर रहा है, कोई गैस की फॉर्म में, कोई फायर की फॉर्म में। ओके आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैरा में, आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगी। फिर पोइट बोलता है कि आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद द टोटल इनएक्टिविटी, कह रहा है कि जो मैं जो चाहता हूँ उससे आप कन्फ्यूज मत होइए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पोइट कहता है कि विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं ये नहीं चाहता कि आप सारे एक्शंस को रोक दो, सारी एक्टिविटी रोक दो, मैं केवल वही चाहता हूँ कि जो एक्टिविटी विच आर हार्मिंग द नेचर इन्वायरमेंट, जो हमारे नेचर इन्वायरमेंट को जो हार्म करती हैं, खाली उन एक्टिविटी को रोक दीजिए। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट, ज़िंदगी क्या है, जैसे चलती है वैसे ही चलना पड़ता है हमको। मतलब कहने का उसका यह है कि कुछ हमारे ऐसे काम होते हैं उनको नहीं रोक सकते हम, कुछ हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मतलब कहने का पॉइंट यह हमको थोड़ा सा वार्न कर रहा है जो कि अगर मैंने कहा है कि स्टॉप विल कीप क्वाइट, तो मतलब कहने का उसका यह है कि मैं आपको सारे काम रोकने के नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट स्टॉप द एक्शंस और द एक्टिविटीज़ विच आर हार्मिंग द एनवायरमेंट और नेचर और द अर्थ, केवल उन एक्टिविटी को, उस एक्शंस को रोक दीजिए जो हमारे हर अर्थ को, एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, है ना। कह रहा है कि लाइफ है जैसे चलती है वैसे चलना पड़ता है, मतलब कहने का यह है कि जो हम पर कुछ जो रेस जो जिम्मेदारियाँ उनको हमको निभाना पड़ेगा। फिर आगे बोलता है आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मैं नहीं चाहता कि हम सब क्या हो जाए, मतलब इतना ह्यूज डिसीजन हो के पिट्रक भरी भरी डेथ बॉडी देखने को मिले, मतलब कहने उसका कहने का ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि मतलब कुछ ह्यूज अमाउंट में, क्वांटिटी में क्या हो फिर हार्म हो। तो वो एक वॉर्न कर रहा है कि हमको वो सारे एक्शंस को माइंड कीजिए, अपने जो भी एक्शंस करते हैं, और कोई एक्शन अगर नेचर को हार्म कर रहा है तो उसको रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ट्रक विद डेथ, मतलब डेथ से, मौत से भरे हुए ट्रक्स को नहीं जाता, तो ऐसा हार्म ना हो, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई खास वर्ड नहीं है जिसके बारे में बताऊँ आपको। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पैरा के बारे में, पैरा नंबर 6। 6 पैरा में पोइट आगे क्या बोलता है उसमें, कि इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग,
कि अगर अभी हम सिंगल माइंडेड नहीं हुए, मतलब कहने का ये है कि अभी अब सबने नेचर के बारे में एक सिंगल थॉट नहीं रखा, एक सिंगल परसेप्शन नहीं रखा और ऐसे ही चलते रहे, तो फिर बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे। परहेप्स अ ह्यूज साइलेंट माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, कि शायद फिर एक ह्यूज साइलेंस होगा जो हमारी इस हमारी जो सैडनेस को इंटरप्ट करे, मतलब कहने का कि शायद फिर डेथ हो और फिर हमको ऐसा दोबारा मौका ही नहीं मिले अपनी एक्टिविटी को माइंड करने का। तो वही कह रहा है कि अगर अभी हम सिंगल माइंडेड नहीं हुए तो शायद कोई ऐसा पल आए, कोई ऐसा मौका आए कि फिर हमें अपने एक्शंस को माइंड करने का मौका ही ना मिले, रुकने का मौका ही नहीं मिले, तो बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद एक बहुत बड़ी साइलेंस, साइलेंस ऑफ डेथ भी हो सकती है, मतलब एक टोटल डिस्ट्रक्शन तबाही इस अर्थ पर नेचर पे हो सकती है अगर अभी हम सिंगल माइंडेड नहीं हुए। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स रखे हैं, एक टर्म इंटरप्ट सभी जानते हैं, इंटर मतलब हिंडर करना, रुकावट डालना, थ्रेटनिंग सभी जानते हैं, कॉज ऑफ थ्रेट होता है और सिंपल सा, कोई ख़ास वजह से नहीं है। तो आगे बात करते हैं अगली लाइन्स के बारे में, जो पोइट बोलता है, क्या बोलता है कि परहेप द अर्थ कैन टीच अस एज वेन बी एवरी थिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोइट बोलता है कि ये चीज़ हम अर्थ हमको पढ़ा सकती है, अर्थ हमको सिखा सकती है, यानी हम अर्थ से सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं कि एज वेन एवरी थिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, कि जैसे अर्थ है, अर्थ हमको डेड दिखती है, मान लो जान ही नहीं है हमको, जैसे कि है ना कि मतलब डेड दिखती है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अर्थ अलाइव होती है, जिंदा होती है और वो अपने कामों को क्या होती है, अच्छे से करती रहती है, चलती रहती है। ऐसे कह रहा है कि हम हमारे लिए हमारी भी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो लगता है बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन बिना उसके भी हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं, चल सकते हैं, है ना, और नेचर को हार्म भी नहीं होगा अगर हम एक्शन को रोक लें। फिर पोइट बोलता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो, कि अब मैं 12 तक काउंट करूँगा और तुम सब रुकोगे, शांत होगे और मैं चला जाऊँगा। फिर वो पॉइंट वार्म कर रहा है, वार्न कर रहा है कि मेरा जो काम था आपको समझाने का मैंने समझा दिया और मैं अब जाता हूँ, आप अपने एक्शंस को माइंड कीजिए। तो गाइस ये थी पोएम, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, है ना, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपके फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।